वेल डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग द कोर्स लेबर पॉलिसी पाकिस्तान और यहां पर जो इस सेशन में आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है तीसरी सी बात है लेबर जो है या लेबर से मुतल जो लोग हैं वो पाकिस्तान एक स्टेट है उसमें रह रहे हैं उसके सिटीजन हैं तो उनकी जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है सुप्रीम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन से उनके सारे राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है जितने इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन हैं वो फंडामेंटल राइट्स के जरिए से कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड हैं और फिर उन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करती है एग्जैक्टिव इंप्लीमेंटेशन करती है जुडिशरी उसके ऊपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करती है तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुतलक जानना बड़ा जरूरी है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसमें एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेड्स डाउन द जनरल एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द पार्ज ऑफ अ स्टेट आर एक्सरसाइज तो कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी असूलों के मुतलक बातें करता है बातें बताता है उनको प्रेस्क्राइब करता है डिफाइन करता है ताकि सब लोग जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं सिटीजन उसके ऊपर एग्री करें और फिर उसके उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो लाइफ को गुजारा जाए तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है एक एग्रीमेंट है जो कि सिटीजनस के, के दरमियान है ताकि एक लाइफ जो है वर्चुअस लाइफ गुजारी जाए उन असूलों के मुताबिक जिन असूलों के मुताबिक पाकिस्तान के लोग गुजारना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन करता है और पावर्स को डिफाइन करता है कि किस ऑर्गन के पास कौन सी पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान के थ्री ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं लेजिस्लेचर एग्जैक्टिव और जुडिशरी ये तीनों के पास पावर्स हैं लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करेगी एग्जेक्टिव उसकी इंप्लीमेंटेशन करेगी और जुडिशरी अगर कोई डिस्प्यूट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में बिटवीन अ सिटीजन एंड गवर्नमेंट और बिटवीन सिटीजन एंड द सिटीजन तो उसके ऊपर डिस्पेंशेशन ऑफ जस्टिस करेगी तो यहां पर अगर जनरल का लफ्ज लिखा है तो उसका मायनिंग है कॉमन फंडामेंटल का मानी है असेंशियल बेसिक डीप सीटेड प्रिंसिपल का मतलब है कोड स्टैंडर्ड या रूल पावर का मतलब है कंट्रोल अथॉरिटी कमांड तो अगर इस डेफिनेशन को इन लफ्जों को इन इनके मीनिंग को कर लें तो बनता है दस अ कॉन्स्टिट्यूशन पिक्स द कॉमन एंड द डीप सीटेड स्टैंडर्ड्स ऑन विच द कंट्रोल ओवर अ स्टेट इज एक्सर साइज लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये डेफिनेशन क्या कहती है द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ नेशन कितनी जबरदस्त बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का बुनियादी कानून है दैट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन जो कि इंस्टीट्यूशंस को बनाता है जैसे पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट का जो दफ्तर है वो एक इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है सेनेट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करता है एंड डिफाइंड द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंटल सॉवरन पावर्स सॉवरन किसे कहते हैं ऐसी स्टेट जो किसी के कंट्रोल में ना हो जो इंडिपेंडेंट हो जिसके ऊपर कोई हाजमनी ना हो वो किसी की कॉलोनी ना हो वो अपने फैसले खुद कर सके और ख़ुद मुख्तार हो एंड गारंटीज़ इंडिविजुअल सिविल एंड सिविल लिबर्टीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की शक्ल में सिविल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़ को डिस्पेंस करता है यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स लिख दिए गए हैं है, ताकि जो अल्फाज हैं उनके ख़ास मायने से आप रूशनास हो जाएं और उनको समझ सकें तो इसमें नेशन का लफ्ज जो है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है अगर उसके मानी देख लें तो बड़ा अच्छा होगा अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पोलिटिकल एंटिटी वट अ ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ नेशन कॉमन ओरिजिन है लार्ज ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं लैंग्वेज एक है और ट्रेडिशंस हैं और एक पॉलिटिकल एंटिटी है एंटिटी किसे कहते हैं an independent institution is entity an institution with its own rights is an entity or political entity iska matlab ye hai ki ek aisi entity jiski apni ideology hai ki unhone kaun se system ke तहत mulk ko chalana hai सोशलिस्टिक एंगल से चलाना है capitalistic angle से चलाना है पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी रखनी है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना है ये उनकी मर्जी है तो पाकिस्तान इज अ पॉलिटिकल एंटिटी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माय डियर स्टूडेंट्स दस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक बॉडी ऑफ लॉ ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच हैज अमन ओरिजिन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन constituting a political entity that focuses on establishing the organizations and tools for the sovereign power within a state and describe the potential of the government power to make and enforce laws and gives surety about individuals' civil rights and freedom from undue governmental interference and restraints. Pari फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स ऐसे राइट्स हैं कि जिनको गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती और गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रेंट है कि आप किसी भी शहरी का सिविल राइट right जो है या फंडामेंटल राइट right जो है उससे तो स्नैच नहीं कर सकते ये कितनी जबरदस्त बात है तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि गवर्नमेंट भी ना ले सके आप नाउ लेट्स मूव ऑन टू के सी वीयर्स डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सी वीयर भी पोलिटिकल फिलासफर है वीर कहता है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री द कलेक्शन ऑफ रूल्स विच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को देता है रूल्स बनाता है और एस्टैब्लिश करता है कि किस तरह गवर्नमेंट को चलाना है तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पे कुछ अल्फाज बड़े टेक्निकल हैं और उनका मायने जाना भी बहुत जरूरी है सिस्टम का मतलब है स्कीम अरेंजमेंट गवर्नमेंट का मतलब है मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पीपल या सॉवरन पावर इन अ स्टेट मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्री का मतलब है स्टेट कलेक्शन का मतलब है कंपाइलेशन असेंबलेज रूल्स का मतलब है सेट ऑफ लॉज श का मतलब है इंस्टीट्यूट सेटअप असर तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इसमें सारे अप्रेटिस मिलेंगे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज मिलेंगे और वो गारंटी क्या करेंगे सिटीजन्स को कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपको अवेलेबल होंगे और आप अपनी लाइफ को इन असूलों के मुताबिक गुजारें आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन थैंक यू वेरी मच